हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। हम बात करने वाले हैं जो ये आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो आज ये सेकंड T20 मैच खेला जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये मैच आज रात 12 बजे से सबीना पार्क इंग्लिस्टन जमैका में खेला जाएगा। तो उसी वेन्यू पे खेला जाएगा जहाँ इसका फर्स्ट वाला मैच खेला गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो इस पिच की बात करें तो इस पिच पे टोटल T20 इंटरनेशनल के अभी तक 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 बार, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 2 बार मैच को वन किया है। एवरेज उसको स्कोर की बात करें तो वो 134 का रहा है। इस वेन्यू का हाइएस्ट स्कोर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंडिया ने 190 बनाया है, लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने सिर्फ 96 बनाया है। अब यहाँ से हम स्कोरिंग पैटर्न देखें, जो मैच खेले गए हैं उसमें क्या स्कोर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 150 2 बार बनाए इस वेन्यू पे, और 1 बार यहाँ पे 190 1 बार बनाए। तो इस तरह का रहा है जो 2 मैच खेले गए उसमें, तो अच्छा खासा स्कोर बनता है इस पिच पे अगर बल्लेबाज ख़राब ना खेलें तो। आप लास्ट मैच में देखेंगे तो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर बनाता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 185 बनाए, जिसको चेस करते हुए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया, यहाँ पे 172 वेस्ट इंडीज़ ने भी बनाए। तो एक अच्छा स्कोर बनता है, आपने लास्ट में देखा तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनाता। इसमें 5 विकेट न्यूजीलैंड के गिरे, 7 विकेट यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के गिरे। अगर आप स्पिन और पेस की बात करें तो यहाँ पे स्पिन को 4 विकेट मिले थे, पेसर को 8 विकेट मिले थे। तो ये रहा था। अब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे केएल मेयर्स से हमारा ब्रुक्स ओपन करने वाले हैं। लास्ट मैच में आप इनका परफॉर्म भी देख सकते हैं, केएल मेयर्स ने लास्ट में 1 रन बनाया और यहाँ पे 1 ओवर की बॉलिंग की, जिसमें सॉरी दोस्तों लास्ट में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी पर विकेट इनको कोई नहीं मिला था। तो लास्ट में 1 रन प्लस 0 विकेट। उसके बाद हमारा ब्रुक्स ने लास्ट में ओपन किया, इनने 42 रन बनाए पर इनकी पारी आप देखेंगे तो काफ़ी स्लो रही थी। उसके बाद निकोलस पूरन की बात करें तो इन्होंने लास्ट में 15 रन बनाए। इनका फॉर्म रिसेंट उतना अच्छा नहीं चल रहा है पर प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, T20 के अच्छे बल्लेबाज हैं। उसके डेवन थॉम्स ने लास्ट में 1 रन बनाया। उसके बाद सिमरन हेटमायर का देखेंगे तो 2 रन इन्होंने भी बनाए। इनका भी आप रिसेंट स्कोर देखेंगे तो उतना अच्छा इनका भी नहीं चल रहा है, पर इससे पहले जो इंडिया के खिलाफ खेला था उसमें 50 प्लस रन बनाए थे, तो अच्छा खासा करके आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जैसन होल्डर का देखेंगे तो 25 रन प्लस 1 विकेट, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई। उसके बाद रोमन पोवेल का देखेंगे तो 18 रन इन्होंने बनाए लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे रोमारियो सेफर्ड की बात करें तो इन्होंने लास्ट में 31 नाबाद बनाए, 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी जिसमें विकेट कोई नहीं मिला, पर अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद ओडेन स्मिथ का देखेंगे तो 27 नाबाद, 3 विकेट लेके गए, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई। लास्ट में हमारे ये ट्रंप थे, हमको वन साइडेड इन्होंने ऑल जितनी भी लीग ज्वाइन करी थी इन्होंने वन साइडेड विन कराया, और हमारे जो टेलीग्राम पे मेंबर जो जुड़े हुए हैं उन्होंने भी अच्छा खासा विन किया था। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद यहाँ पे ओबेड मकोई हैं, लास्ट में इन्होंने भी 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई, 1 विकेट लेके गए, और ये 4 ओवर की कराते हैं, मैन बॉलर हैं इनके। उसके बाद हेडन वॉल्स की बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी पर इनको विकेट कोई नहीं मिला था। तो ये रहा था लास्ट मैच का। अगर दोस्तों इनमें से कोई खेलता है तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कौन खेलेगा कौन नहीं, पर खेल सकते हैं, स्क्वाड में तो सभी हैं। अब हम यहाँ पर इनके प्लेयर स्टार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निकोलस पूरन 65 मैच खेल चुके हैं T20 के, जिसमें 1382 रन बनाए, 74 हाइएस्ट इनका 28 के एवरेज से बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें उसके बाद दोस्तों यहाँ से डेवन थॉम्सन 9 मैच खेले अभी तक T20 इंटरनेशनल के, जिसमें 5 इनिंग में 44 रन बनाए हैं 14 के एवरेज से। रिसेंट फॉर्म आप इनका देखेंगे तो 31 नॉट आउट, 0-1-10, तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे पूरन का भी आप देख सकते हैं 18-14-22-24-3, कुछ खास इन्होंने भी नहीं किया अभी तक। उसके बाद यहाँ पर ब्रांडन किंग हैं 24 के एवरेज से, इन्होंने भी रन बनाए T20 में, 27 मैच खेले हैं जिसमें 577 रन है। अगर खेलते हैं तो आप इनका रिसेंट स्कोर देख सकते हैं, यहाँ पे 68-20-13 इस तरह का इनका रिसेंट स्कोर रहा है, पर ये खेल सकते हैं आप इनका देख के चलें। उसके बाद यहाँ पे केएल मेयर्स हैं, इनका देखेंगे तो 14 मैच खेले अभी तक T20 के, जिसमें 27 का एवरेज इनका रहा है, 14 मैच की 2 इनिंग में बॉलिंग कराई जिसमें विकेट कोई नहीं मिला अभी तक। इनका रिसेंट स्कोर देखेंगे तो 15-8-73 और यहाँ पर 14, तो अच्छे बल्लेबाज हैं।
कर सकते हैं अच्छा। उसके बाद यहाँ पर समारा ब्रूक्स है, इनका देखेंगे तो 8 मैच की 7 इनिंग 109 रन सिर्फ 15 के एवरेज से रन बनाए। रिसेंट में 2 मैच खेले हैं उसमें आप देख सकते हैं 20 और यहाँ पे 13, तो ये स्कोर रहा है। पर इनकी बात करें दोस्तों तो ये एक ODI को और टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं, T20 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें रोमन पोवेल की तो 24 के एवरेज से रन बनाए उन्होंने T20 में, 47 मैच की 8 इनिंग में गेंदबाजी की जिसमें 4 विकेट लिए हैं। उसके बाद सिमरन हेटमायर हैं, 21 का एवरेज इनका है T20 में। उसके बाद इनका रीसेंट स्कोर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14-6-20-19-56, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ रोमन पोवेल का रीसेंट स्कोर लिखना भूल गया। उसके बाद यहाँ पे जैसन होल्डर हैं, 42 मैच की 28 इनिंग 278 रन, 14 का एवरेज, 42 मैच की 39 इनिंग में 44 विकेट भी हैं। इनका आप रीसेंट स्कोर देखेंगे तो 1 विकेट 2 विकेट 1 रन प्लस 1 विकेट 13 प्लस 0 विकेट 0 प्लस 1 विकेट, तो इनका ये रीसेंट स्कोर रहा है। उसके बाद यहाँ पे रोमारियो सेफर्ड हैं, 37 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए T20 में, और आप इनका देखेंगे बॉलिंग से तो 20 मैच की 17 इनिंग में 20 विकेट भी ले चुके हैं। और रीसेंट स्कोर देखेंगे तो रीसेंट में काफ़ी बेहतर चल रहा है इनका रीसेंट स्कोर भी, तो रीसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है, तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद कीमा पॉल की बात करें तो 23 मैचों में 20 का एवरेज इनका भी रहा है। यहाँ पे इनका रीसेंट आप देखेंगे सॉरी 23 मैच की 23 इनिंग में 25 विकेट भी हैं। यहाँ पे रीसेंट देखेंगे तो 19 प्लस 1 विकेट 0 प्लस 0 विकेट, तो 2 ही मैच खेले रीसेंट में। उसके बाद ओडन स्मिथ हैं, इनका देखेंगे तो 16 मैच की 10 इनिंग में सिर्फ 70 रन बनाए 8 के एवरेज से, पर लास्ट में काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 16 मैच की 15 इनिंग में 13 विकेट भी हैं, तो ऑलराउंडर नहीं है इनका आप देखेंगे तो 11 रन प्लस 1 विकेट 2 प्लस 1 विकेट 0 प्लस 0 विकेट 4 प्लस 0 विकेट लास्ट में 3 विकेट, तो इनका अच्छा फॉर्म चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओबेड मकोई का देखेंगे, 21 मैच 20 इनिंग 31 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक है। उसके बाद अकील हुसैन खेलते हैं तो दोस्तों 20 के एवरेज से इन्होंने रन भी बनाए हैं T20 में, और यहाँ पे 27 मैच की 24 इनिंग में 21 विकेट भी लिए हैं, 11 प्लस 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 प्लस 1 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक प्लेयर का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा देखने को। उसके बाद अल्जारी जोसेफ हैं, यहाँ पे 4 मैच खेले T20 के 5 विकेट लिए हैं, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 4 मैचों में 5 विकेट हैं, तो रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है, अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हेडन वॉल्स हैं, यहाँ पे इनका देखेंगे तो लास्ट मैच में विकेट लेस रहे, पर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे इनका तो 5 मैचों में 2 मैच में विकेट लेस रहे हैं, पर उसके बाद आप देखेंगे तो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो इस तरह का रहा है इनका। उसके बाद डोमिनिक ड्रैक्स हैं, यहाँ पे 9 मैच की 9 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है। उसके बाद अब दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ से मार्टिन गप्टिल डेवन कॉनवे ओपन करेंगे। लास्ट मैच में आप देख सकते हैं गप्टिल ने 16 बनाए, कॉनवे ने 43 बनाए, पर अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद यहाँ पे केन विलियमसन की बात करें तो कप्तान है अपने टीम के, लास्ट वैसे ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर लास्ट में काफ़ी अच्छी पारी खेली, 47 रन बनाए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं दोस्तों, लास्ट में 17 रन बनाए, पर ये एक अच्छे प्लेयर हैं, इनको वेस्ट इंडीज में खेलने का सबसे ज़्यादा अनुभव है क्योंकि जो CPL होता है वो वेस्ट इंडीज का जो घरेलू क्रिकेट होता है उसमें ये काफ़ी खेलते रहते हैं, तो इनको अच्छा खासा अनुभव है। उसके बाद डेरी मिचेल हैं दोस्तों, लास्ट में 16 रन बनाए। उसके बाद जेम्स नीसम है, यहाँ पे 33 नॉट आउट बनाए, बॉलिंग नहीं कराई लास्ट में, पर ये कभी भी बॉलिंग करा सकते हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर हैं, लास्ट में पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 4 रन प्लस 3 विकेट भी लेके गए, तो ये इनके मैन ऑलराउंडर हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कप्तानी सेंटनर नहीं कर रहे हैं, अब विलियमसन आ गए तो विलियमसन कैप्टन है। उसके बाद यहाँ पे ईस सोड़ी हैं, इनकी बात करें तो ईस सोड़ी ने लास्ट में 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 1 विकेट लिया। उसके बाद टिम साउथी ने 1 विकेट लिया, यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन ने 1 लिया, ट्रेंट बोल्ट ने भी 1 लिया, तो 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई थी इन लोगों ने। तो एक बार मेरे हिसाब से फिर से इन लोगों को ही खेलना चाहिए, अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, पर अभी शायद चांसेस कम है। उसके बाद आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, हर एक प्लेयर का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा देखने को। तो टॉम लाथम अगर खेलते हैं तो 24 के एवरेज से रन बनाए T20 में, इनका आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे, ODI खेला अभी इन्होंने रिसेंट में, तो आप उसमें इनका फॉर्म देख सकते हैं, 23-55-30 इस तरह का फॉर्म है इनका। उसके बाद यहाँ पर फिन अल्लन है, ये खेलते हैं तो आप देख सकते हैं 9 मैच की 9 इनिंग 206 रन 23 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 14-101-6-50-8, तो रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेविन कॉनवे हैं, 20 मैच 17 इनिंग 602 रन 50 का एवरेज इनका T20 में, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, फर्स्ट के 3 मैच देखेंगे तो 3ों में 50+ स्कोर किया है। उसके बाद जो लास्ट के 3 रहे उसमें कुछ खास नहीं किया पर लास्ट में काफ़ी अच्छा किया, 40+ रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर मार्टिन गप्टिल हैं, 115 मैच 111 इनिंग 3,359 रन 32 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है इनका भी।
उसके बाद यहाँ पे केन विलियमसन है दोस्तों, इनका देखेंगे तो 74 मैच 72 इनिंग 2021 रन 32 का एवरेज। रिसेंट फॉर्म देखेंगे इनका अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो 47 रन की एक पारी आई है, उसके बाद चारों मैचों में लगातार फ्लॉप हैं, पर लास्ट में काफ़ी अच्छा किया, लास्ट में भी 47 रन बनाए, तो अच्छे बल्लेबाज हैं, कर सकते हैं फिर से अच्छा। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं, 30 का एवरेज रखते हैं T20 में, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 23-56-23। उसके बाद डार्ली मिचेल हैं दोस्तों, ये खेलते हैं तो 22 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए T20 में, 28 मैच की 9 इनिंग में 7 विकेट भी हैं। रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो इनका भी ठीक ठाक चल रहा है, आप देख सकते हैं हर एक प्लेयर का यहाँ पे आपको रिसेंट फॉर्म भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जेम्स नीसम है, 41 मैच 32 इनिंग 469 रन 23 का एवरेज, 41 मैच की 32 इनिंग में गेंदबाजी कराई जिसमें 23 विकेट लिए हैं, पर लास्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई। इनका आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे बल्ले से या गेंद से कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं, 1 रन प्लस 1 विकेट, 23 प्लस 0 विकेट, 30 प्लस 0 विकेट। उसके बाद लास्ट में 2 मैच देखेंगे तो 28 प्लस 2 विकेट, 32 प्लस 2 विकेट। तो ये इनका रहा है रिसेंट स्कोर। उसके बाद मिचेल सैंटनर की बात करें तो 65 मैच खेले इन्होंने T20 के, 14 के एवरेज से रन बनाया, 65 मैच में 68 विकेट हैं, और यार रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो इनका ठीक ठाक है, लास्ट में भी 3 विकेट लेके गए। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल दोस्तों खेल जाते हैं तो ये भी अच्छे प्लेयर बनेंगे, यहाँ पे 5 मैच की 3 इनिंग में 82 रन 41 का एवरेज, 5 मैचों में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है इनका भी। उसके बाद यहाँ पे माइकल रिपॉन स्क्वाड में नहीं है तो ये खेलेंगे नहीं, इनके बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें यहाँ पे तो 17 मैच में 30 विकेट लॉकी फर्ग्यूसन के हैं, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है इनका, लास्ट के एक मैच में विकेट लेस हैं, पर उसके पहले देखेंगे तो हर एक मैच में विकेट लेके गए हैं। उसके बाद ईस सोडी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 69 मैच 89 विकेट, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतर। उसके बाद मैट हेनरी अगर खेल जाते तो इनका आप रिसेंट देख सकते हैं, एफसी खेला इन्होंने, जो टेस्ट मैच होते हैं डोमेस्टिक उसमें आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। और T20 की बात करें इनका करियर तो 6 मैच खेले हैं T20 इंटरनेशनल के जिसमें 7 विकेट हैं, तो दोस्तों प्लेयर ये काफ़ी अच्छे हैं, अगर खेलते हैं तो ये एक अच्छे प्लेयर रहेंगे। उसके ट्रेंट बोल्ट है यहाँ पे, 44 मैच 62 विकेट, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, हर एक मैच में विकेट लेके जा रहे हैं। उसके टिम साउथी का बात करें तो 92 मैच 112 विकेट, रिसेंट फॉर्म, सॉरी मैं इनका लिखना भूल गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम ने अभी तक हेड टू हेड में 16 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, 9 मैच यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं, 2 मैच नॉट रिजल्ट रहे हैं। अब हम हेड टू हेड प्लेयर रिकॉर्ड की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोलस पूरन यहाँ पे 2 मैच खेले हेड टू हेड में, सिर्फ 8 रन बनाए हैं 4 के एवरेज से, और लास्ट में भी आप देखेंगे तो सिर्फ 15 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पे बात करें सिमरन हेटमायर की तो 3 मैच 32 रन 10 का एवरेज। तो दोस्तों कुछ ही प्लेयर के हेड टू हेड रिकॉर्ड हैं जिन्होंने हेड टू हेड में खेला है, मैंने उन्हीं के नाम लिखे हैं, इनके अलावा जो प्लेयर हैं उन्होंने हेड टू हेड में खेला नहीं है तो उनके रिकॉर्ड इसलिए मैंने नहीं लिखे, तो आप समझ लेना। उसके बाद ब्रेंडन किंग है, 2 मैच ब्रेंडन किंग ने खेले हैं जिसमें सिर्फ 13 रन बनाए हैं 6.5 के एवरेज से। उसके बाद रोमन पॉवेल हैं, 4 मैच हेड टू हेड में खेले हैं 31 रन 10 का एवरेज। तो हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्लेयर का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद केएल मेयर्स की बात करें तो अभी सिर्फ 1 ही मैच खेला है, 20 रन बनाए 20 के एवरेज से, तो एक मैच से हम क्या ही जज कर सकते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पे अब न्यूजीलैंड के प्लेयर की बात करें हेड टू हेड में तो मार्टिन गप्टिल 9 मैच हेड टू हेड में खेले 184 रन 26 का एवरेज, केन विलियमसन ने 5 मैच हेड टू हेड में खेले 91 रन 18 का एवरेज। दोस्तों ये जो इस सीरीज से पहले के जो मैच हैं उसके रिकॉर्ड हैं तो आप लोग समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे हेड टू हेड में केन विलियमसन ने बॉलिंग भी कराई हुई है पहले, तो यहाँ पे 5 मैच में 2 विकेट भी लिए हैं, पर बॉलिंग नहीं कराते हैं ये ज़्यादा, तो आप बॉलिंग से उम्मीद मत करना। उसके यहाँ पे टॉम लाथम की बात करें, खेलते हैं तो 4 मैच हेड टू हेड में 37 रन सिर्फ 12 का एवरेज। ग्लेन फिलिप्स की बात करें हेड टू हेड में दोस्तों तो काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड है, यहाँ पे 4 मैच हेड टू हेड के खेले हैं जिसमें 193 रन बनाए 64 के एवरेज से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट बैटिंग करे तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मिचेल सैंटनर हेड टू हेड में 4 मैच 7 विकेट और लास्ट में भी 3 विकेट लेके गए। उसका जिम्मी नीसम का देख सकते हैं, 6 मैच 80 रन बनाए 6 मैचों में 4 विकेट हैं। डेविन कॉनवे 2 मैच 106 रन 106 का एवरेज। ईस सोडी 5 मैच 6 विकेट। लॉकी फर्ग्यूसन 2 मैच 6 विकेट। तो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे टिम साउथी का हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मैच हेड टू हेड में 18 विकेट। तो ये रिकॉर्ड है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी टीम के बारे में जो मैंने बनाई है फिलहाल, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलने वाली है, और इस वीडियो के बाद अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए अब चलते हैं अपनी टीम के तरफ।
तो दोस्तों आप लोग विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पर जो खेलने वाले ऑप्शन है वो यहाँ से डेविन कॉनवे, निकोलस पूरन और डेविन थॉम्स ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे नीचे से इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर अगर खेलता है तो यहाँ पे फिनलैंड तो मस्ट पिक रहेंगे, ओपन करेंगे अगर खेलते हैं। उसके बाद टॉम लाथम अगर खेल जाते हैं तो टू डाउन बैटिंग करेंगे। आप लोग ट्राई करना चाहें तो दोनों ट्राइवल ऑप्शन है, आप लोग ले सकते हैं, पर फिलहाल खेल नहीं रहे हैं तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल लीग के लिए जो अभी देखा जाए तो मस्ट पिक यहाँ पे डेविन कॉनवे मस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन का रीसेंट फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, पर प्लेयर की बात करें तो T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं, कभी भी तेज़ी से रन बना सकते हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है, पर हो सकता है मैं फाइनल टीम में बाद में इनको लेके जाऊं। उसके बाद डी थॉमस को आप लोग जीएल में ही ट्राई करना, उतने अच्छे ऑप्शन रहेंगे नहीं स्मॉल लीग के लिए। तो यहाँ पे बैटिंग की बात करें तो केन विलियमसन मस्ट पिक रहेंगे, मैं बोलूँगा लेके चलें, अपनी टीम के कप्तान हैं और कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में भी 47 का स्कोर किया इन्होंने। उसके बाद मार्टिन गप्टन है दोस्तों, लास्ट में कुछ खास नहीं किया तो इनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पर प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, कभी भी बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं, तो मैं बोलूँगा लेके चलें इनको भी। उसके बाद एस ब्रूक्स ने लास्ट में 40 प्लस स्कोर किया, पर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये ODI और टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज लगते हैं, मुझे T20 के उतने अच्छे नहीं लगते, तो फिलहाल मैंने नहीं लिया है, पर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से KL मायर्स को लिया, लास्ट में एक ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें विकेट तो नहीं मिला, पर प्लेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं, बैटिंग से भी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और बॉलिंग भी करा सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर है वैसे, अगर बॉलिंग कराएं तो करा सकते हैं। लास्ट में एक ओवर की कराई, पर इनको और भी ओवर की बॉलिंग मिल सकती है यहाँ पे, अगर वेस्ट इंडीज चाहे तो अच्छे खासी ओवर की बॉलिंग मिल सकती है इनको। उसके बाद यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो फिर ये भी एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया, हेड टू हेड में 62 का एवरेज है और प्लेयर भी काफ़ी अच्छे हैं T20 के, तो इनको भी हम ट्राई कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद सिमरॉन हेटमायर का भी रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, अभी आप रीसेंट में देखेंगे तो इंडिया के खिलाफ जो लास्ट मैच हुआ उसमें 50 प्लस स्कोर किया, पर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्लॉप ही चल रहे हैं और लास्ट में भी फ्लॉप हुए, तो आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर थोड़े रिस्की रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोमन पॉवेल हैं, अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम फर्स्ट बैटिंग करे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, तो फर्स्ट बैटिंग में ट्राइबल रहेंगे, सेकेंड इनिंग में आप लोग इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैंडन किंग खेल जाते हैं तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, पर अभी चांसेस कम है। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जैसन होल्डर मस्ट पिक रहेंगे, अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम फर्स्ट बॉलिंग कराती है तो फिर ये डेथ में भी आते हैं और कुछ रन्स भी कर सकते हैं, तो मस्ट पिक रहेंगे, मैं बोलूँगा लेके चले। उसके बाद मिचेल सैंटनर, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, तो फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है दोस्तों, पर हो सकता है मैं फाइनल टीम में इनको ड्रॉप भी कर दूँ, पर वैसे बात करें तो अच्छे प्लेयर हैं, आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने लिया है फिलहाल। उसका जिम्मी नीसम है, लास्ट में इन्होंने ओवर नहीं कराए, बॉलिंग नहीं कराई, पर ये बॉलिंग करा सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 प्लस स्कोर किया था, तो उसके ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया, वैसे अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद मैंने यहाँ से रोमारियो सेफर्ड को लिया है, लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग कराती है तो फिर ये डेथ में आएंगे, और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, रन भी काफ़ी तेज़ी से बनाते हैं, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है। उसके बाद डेरली मिचेल हैं, आप लोग दोस्तों इनको GL में ज़रूर ट्राई करें, अच्छे प्लेयर हैं, अगर बैटिंग आती है तो अच्छा करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल अगर खेल जाते हैं तो फिर ये भी मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि इनका रीसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतर चल रहा है, हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं, तो फिर ये भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे, पर अभी चांसेस कम है। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो मैंने यहाँ से ओडन स्मिथ को लिया, लास्ट में इन्होंने 3 विकेट भी लिए और यहाँ पे 20 प्लस स्कोर भी किया, तो ये अच्छे प्लेयर हैं, मैंने इनको लिया है। उसके बाद यहाँ पे ओबेड मकोई दोस्तों अच्छे पिक रहेंगे, अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम फर्स्ट बॉलिंग कराए तो ये भी ट्राइबल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि फिर ये डेथ में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, ये भी स्मॉल लीग के लिए कंसिडरेबल ऑप्शन रहेंगे, पर फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है, आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको तो नहीं ले सकते, तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से ईस सोडी को लिया है, टिम साउथी को लिया, लॉकी फर्ग्यूसन को लिया है, अगर आप लोग चाहें तो इनमें से किसी एक को कम करके ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। उसके यहाँ पर हेडन वॉल्स है, लास्ट में 4 ओवर की बॉलिंग कराई, विकेट लेस गए, तो आप इनको GL में ज़रूर ट्राई करना, वैसे अच्छे प्लेयर हैं, कभी भी गुच्छे में विकेट लेके जा सकते हैं, तो आप इनको GL में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अकील हुसैन अभी खेलेंगे नहीं शायद, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो ट्राइबल ऑप्शन रहेंगे। नीचे बात करें तो अभी कोई खेलने वाला है नहीं, तो हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं, तो फिलहाल जो मेरी टीम बन रही दोस्तों
वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी एक बार फिर से डेविन कॉनवे को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे रोमारियो सेफर्ड को दी है। आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो यहाँ से केन विलियमसन रहेंगे, मार्टिन गप्टिल रहेंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहें न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग कराए तो फिर लॉकी फर्ग्यूसन को भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से डेविन कॉनवे रोमारियो सेफर्ड को किया है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के